मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे संख्यात्मक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और ये टॉपिक आपका होगा साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की बात की जाए तो आपकी UPSI हो या UP कांस्टेबल हो या आपकी जेल वार्डन फायर ब्रिगेड के जो एग्ज़ाम का होने जा रहे हैं ये हो, इनमें ये चैप्टर बाकायदे पाठ्यक्रम में दिया है और पाठ्यक्रम में इस चैप्टर को भागीदारी कहा गया है। भागीदारी, तो भागीदारी या साझेदारी बात एक ही है। भागीदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप या साझेदारी। तो ये मैथ का चैप्टर पहली चीज़ तो आसान है काफ़ी, और बड़ी इजी वे में किसी को भी समझ में आ सकता है। दूसरा, अगर इसे हल करने का सही तरीका हो तो बहुत ही आसानी से बिना मिस्टेक के कम समय में जवाब भी दिया जा सकता है। तो इस चैप्टर पे मैं डिटेल में बात करूँगा, पहले कंसेप्ट पे बात करूँगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवाऊँगा, और उसके बाद UPSI 2016-17 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसके पूछे गए प्रश्नों को भी हल कराएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 से 4 वीडियो इसमें बनेंगे, और उसको देखने के बाद किसी भी सिंगल व्यक्ति की प्रॉब्लम पार्टनरशिप नहीं रहेगी। कम से कम यहां से सवाल पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, और दूसरी चीज बहुत ही कम समय में कर लेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन भी ना के बराबर करना होगा। तो यहां पे सबसे पहले देखें आपकी साझेदारी होती क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, यानी किसी एक व्यक्ति के साथ साझेदारी नहीं होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यवसाय या उद्यम करते हैं, कोई वर्कशॉप खोलते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो वह व्यवसाय या उद्यम या दुकान या वर्कशॉप जो है साझेदारी का उद्योग कहलाता है या साझेदारी का बिजनेस कहलाता है। और वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वो व्यक्ति पार्टनर कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं तो वो व्यवसाय हमारा साझेदारी यानी पार्टनरशिप होता है, और वो व्यक्ति पार्टनर यानी साझेदार होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, साझेदार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा साझेदार होता है जिसको हम कहते हैं सक्रिय साझेदार, और एक ऐसा साझेदार होता है जिसको हम निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। तो निष्क्रिय साझेदार वो होता है जो व्यवसाय में ओनली पूंजी लगाता है, ये किसी प्रकार का टाइम नहीं देता है व्यवसाय में। एक ऐसा साझेदार, एक ऐसा पार्टनर जो निष्क्रिय कहा जाएगा, तो ये केवल व्यवसाय में अपना पूंजी लगा देता है और उससे बाहर हो जाता है। एक समय का इंतज़ार करता है कि जब लाभ मिलेगा तो उसमें इसका अकॉर्डिंग टू पूंजी इसका हिस्सा होगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी को या उद्योग को रन भी करता है, कंपनी का संचालन भी करता है, मैनेजमेंट देखता है, प्रबंधन देखता है, और साथ में अपनी पूंजी को भी लगाए रखता है। ऐसे साझेदार को हम सक्रिय साझेदार कहते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा सा होने वाला है, और आप अगर इसको इत्मीनान से अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें मैं आपसे 3 पॉइंट पे चर्चा करूँगा। तो एक एक पॉइंट और उसके उदाहरण पहले देख लीजिए, फिर कुछ सवाल आपको बताएंगे, और फिर कई एग्जाम्पल हम आपको देंगे जिससे इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में कोई भी समझ सकता है। आइए पहला आप देखिए नियम, ये पहला नियम आपके सामने लिखा हो, और हमने आपको बताया है कि पार्टनरशिप जो है साझेदारी चैप्टर है, इसमें टोटल 3 नियम आपको बताएंगे, और ये 3 नियम आप इजी वे में सीख जाएंगे, और यहीं से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। पहला नियम है हमारा, जब पूंजी समान हो तथा समय भिन्न भिन्न हो तो कैसे गणना करेंगे और कैसे आंसर देंगे। जब प्रत्येक उद्यमी द्वारा लगाई गई पूंजी यानी कैपिटल इक्वल हो और समय डिफर डिफर हो तो कैसे करेंगे। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी समान तथा समय अलग अलग हो तो लाभ का वितरण समय के अनुपात में करेंगे, पूंजी को गणना में शामिल नहीं करेंगे। अगर प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी इक्वल हो बट समय डिफर डिफर हो तो लाभ का वितरण करते समय समय के अनुपात को देखेंगे, समय को देखेंगे। यहाँ पे हम पूंजी को अपनी गणना में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, लेकिन आप यहाँ पे
पूंजी गुणे समय कतई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर की लगी हुई पूंजी इक्वल है। तो जब पूंजी समान हो तो समय में रेशियो निकाल कर लाभ का वितरण कर देंगे और पूंजी को हम हरगिज टच नहीं करेंगे। अब आप देखिए, आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है। अजय ने 26,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 3 सही 1 बटा 2 माह बाद विजय समान पूंजी के साथ है। अब इसको हम नहीं टच करेंगे, कतई हमें ज़रूरत ही नहीं है पूंजी की। 3 सही 1 बटा 2 यानी 3.5 माह बाद विजय समान पूंजी के साथ अजय का पार्टनर बन जाता है और वर्ष के अंत में अजय का लाभ 12,000 रुपये है। तो विजय का लाभ क्या है या व्यवसाय का पूरा क्या लाभ है, यही दोनों क्वेश्चन बनेंगे। चूंकि अजय का लाभ 12,000 रुपये दे दिया है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि विजय का क्या लाभ है और या व्यवसाय का कुल लाभ क्या है, या अजय को विजय से ज़्यादा कितना मिला या विजय को अजय से कितना पैसा कम मिला। तो यहाँ पर देखिए, पूंजी समान हो गई है। अब पूंजी समान हो गई है तो हमें पूंजी से कोई मतलब नहीं है, हम पूंजी को अपनी गणना में शामिल नहीं करेंगे, समय के रेशियो में लाभ का वितरण कर देंगे। अब अजय ने व्यवसाय शुरू किया और व्यवसाय चला 1 साल। आप इधर देखिए, अजय अगर 12 महीने रहा है तो ये 3.5 महीने बाद आया, इसका मतलब 8 सही 1 बटा 2 महीने ये रहा, 8 दूनी 1 16, 17 बटे 2 हो गया और इधर 12 हो गया। ये रेशियो आपका 12 दूनी 24 अनुपात 17 हो गया। तो अगर अजय को 24 रुपये लाभ मिलेगा तो विजय को 17 रुपये मिलेगा। अजय को 12,000 मिला है तो 12,000 बटे 24 और गुणे 17 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8,500 रुपये। ये आपका आंसर होगा। और बाय द वे ये पूछ लेता कि बिजनेस का कुल लाभ क्या है, तो 17 और 24 आप उठा करके 41 यहाँ रख देते, कुल लाभ निकल आता। अगर अंतर पूछता तो इन अनुपातों का अंतर रख देते, दोनों के लाभों का अंतर निकल आता। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने ईजी वे में आंसर दे दिया। जब पूंजी इक्वल हो तो पूंजी को बिल्कुल नहीं टच करना, समय के रेशियो में जो आप अनुपात निकलेगा उसी के अनुपात में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। आइए सेकंड नियम पर। सेकंड नियम आपके सामने लिखा है, नियम नंबर 2, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब समय समान हो, पीछे आपने देखा था कि जब पूंजी समान हो, और यहाँ क्या लिखा है, जब समय सभी के लिए समान हो, जितने भी पार्टनर हो उनके लिए टाइम एक जैसा हो, पूंजी भिन्न भिन्न हो। जब समय समान हो पूंजी भिन्न भिन्न हो, क्योंकि लाभ 2 चीज़ों से गवर्न होता है। किसी भी उद्योग व्यवसाय का जो लाभ होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे हम इतना कैलकुलेशन लंबा ना खींच करके एक चीज़ देखते हैं, जब समय एक जैसा है तो हम आखिर समय को अपनी गणना में क्यों शामिल करके समस्या पैदा करेंगे। तो जब समय समान हो तथा पूंजी भिन्न भिन्न हो, जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय एक जैसा हो तथा पूंजी अलग अलग हो, तो लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में करेंगे, समय को गणना में शामिल नहीं करेंगे, यानी हम टाइम को टच ही नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 वर्ष 5 माह, तो 1 वर्ष 5 माह को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब आप देखें, पी तथा क्यू ने क्रमशः 65,000 रुपये एवं 1,04,000 रुपये लगाकर एक वर्कशॉप खोलते हैं। 1 वर्ष 5 माह की समाप्ति पर वर्कशॉप का जो कुल लाभ होता है वो 1,17,000 रुपये का होता है। पी का हिस्सा क्या है या क्यू का हिस्सा क्या है, या क्यू को पी से कितना ज़्यादा मिला या पी को क्यू से कितना कम मिला, या दोनों के हिस्सों का अंतर क्या है, कोई भी क्वेरी होगी सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम एक जैसा है, आप क्या करोगे, टाइम को अपनी गणना में शामिल नहीं करोगे और पूंजी के रेशियो में आंसर कर दोगे। तो आप देखिए, पूंजी के रेशियो में आंसर करना कितना आसान है। पी और क्यू है, इसने 65,000 रुपये लगाए हैं और इसने 1,04,000 रुपये लगाए हैं। 3 जीरो यहाँ से काट दो, 3 जीरो यहाँ से, 13 पचे 65 और 13 अट्ठे 104, 5 और 8 के रेशियो में इनके लाभ का वितरण होगा। टोटल लाभ दिया हुआ है इसलिए अनुपात की योग रखोगे, तो 8 5 13 हो गया। आपको चाहिए था किसका लाभ, पी का लाभ चाहिए, तो गुणे 5 कर दो, 13 9 117 और 9 पचे 45, 45,000 रुपये यहाँ पे पी को मिल जाएगा। अगर बाई दबे पूछा होता कि क्यू को क्या मिलेगा, तो 8 रख देते, तो 8 9 72,000 रुपये हो जाता।
पी को क्यू से कम कितना मिला, क्यू को पी से ज़्यादा कितना मिला, दोनों का अंतर क्या है, तो अनुपातिक अंतर यहाँ पे रख देते और आंसर हो जाता 27,000। तो एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है विदाउट एनी कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। जब हम इस टाइम से इनको गुणा कर देते तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और हर किताबों में लगभग ऐसे ही बताया गया है, क्योंकि किताब में इस तरह से आपको नहीं समझाया जा सकता। अब आप तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नियम देखिए, आइए। और नियम नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा उनसे डिफर है। पहले वाले में हमने आपसे कहा था कि जब पूंजी समान हो तो समय के रेशियो में लाभ का वितरण करना, पूंजी को मत टच करना। फिर दूसरे वाले में हमने कहा था कि जब समय समान हो तो पूंजी के रेशियो में लाभ का वितरण करना, उसमें टाइम को मत टच करना। बट ये जो तीसरा नियम है, यहाँ पर पूंजी और टाइम प्रत्येक साझेदार के लिए डिफर है। जब समय तथा पूंजी दोनों प्रत्येक साझेदार के लिए अलग अलग हों तो पूंजी गुणे समय के अनुपात में लाभ का वितरण करते हैं, क्योंकि लाभ जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है। यहाँ पे प्रत्येक साझेदार जो पार्टनर है उसके लिए टाइम और पूंजी अलग अलग है, तो पूंजी गुणे समय लाभ, पूंजी गुणे समय लाभ, और इस पूंजी गुणे समय के जो गुणनफल का रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लाभ का वितरण करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आप सावधानी से देखिए, जो कि किताबों से आप टैली करिएगा और फिर हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप देखिए, सवाल आपके सामने लिखा है कि प्रीतम ने 31,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, प्रीतम ने 31,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया आफ्टर 6 मंथ अनिल 25% अधिक पूंजी के साथ उसका साझेदार बन गया, 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,600 रुपए का हुआ, तो प्रीतम का हिस्सा क्या है या अनिल का हिस्सा क्या है, या किसका कितना ज़्यादा है या किसका कितना कम है, या दोनों का अंतर क्या है, यही सवाल आपके एग्जामिनर बना सकता है। अच्छा, अब फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रीतम ने 31,000 रुपए लगाकर एक उद्यम शुरू किया और अनिल ने 25% ज़्यादा पैसा लगाया। तो अमूमन हर किताब में क्या होता है, या हर बच्चा ये करता है कि इस अमाउंट का 25% पहले निकालेगा और फिर इसमें जोड़ देगा, तो एक नया अमाउंट जनरेट करेगा और कहेगा कि ये भाई अनिल का है और ये प्रीतम का है, और फिर इसको टाइम से गुणा करके और फिर रेशियो निकाल कर लाभ का वितरण करेगा। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जब परसेंटेज में कम या ज़्यादा कहीं भी दिया हो तो जिससे दूसरे व्यक्ति का कंपैरिजन किया जा रहा हो वह पूंजी 100% होती है, यानी यहाँ पे 31% जो पूंजी लगी है ये 100% है, और इसके अकॉर्डिंग अनिल ने जो लगाया वो 125% है। वाकई अनिल ने प्रीतम से 25% ज़्यादा पैसा लगाया, और दोनों को तुरंत हम काट देंगे, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, यानी अनिल ने प्रीतम ने 4 रुपये लगाए और प्रीतम के अनुरूप जो है अनिल ने 5 रुपये लगाए, मीन्स 25% ज़्यादा लगाया। तो आप देखिए कितने इजी वे में आपने आंसर कर दिया कि इसने 4 रुपये लगाया, इसने 5 रुपये लगाया। अच्छा, ये व्यक्ति 6 महीने बाद व्यापार में आया है और व्यापार 2 साल चला, इसका मतलब ये व्यापार में 18 महीने रहा और ये व्यापार में पूरे 24 महीने रहा। तो 24 × 4 और 18 × 5, ये क्या हो गया, पूंजी इंटू समय और पूंजी इंटू समय। इसने 4 रुपये लगाए, इसके कंपैरिजन में इसने 5 लगाए क्योंकि 25% ज़्यादा लगाया, ये 6 महीने बाद आया, व्यापार 2 साल चला, इसका मतलब ये 18 महीने रहा, ये 24 महीने। 6 से और काट दीजिए, 6 × 24 और 6 × 18, 3 × 5 = 15 हो गया और 4 × 4 = 16 हो गया। यहाँ पे अगर प्रीतम को 16 रुपये मिले हैं तो अनिल को 15 रुपये मिले हैं। टोटल लाभ दिया है, इसलिए नीचे क्या रखोगे, अनुपातिक योग रखोगे, 18,600/31 आ जाएगा। आपको तो प्रीतम का हिस्सा चाहिए तो गुणे 16 कर दीजिए, ये 6 बार कटेगा, 16 × 6 = 9600 रुपये। तो 9600 रुपये इसमें प्रीतम को मिलेगा, और अगर उसका पूछते हैं तो 15 रख दो, 9000 रुपये यहाँ पे अनिल को मिलेगा। और से ज़्यादा से कम पूछता है तो अनुपातिक अंतर ऊपर रख दो, अनुपातिक योग नीचे दिया ही है। आपने देखा कि इसको बिना टच किए हमने इजी वे में आंसर दे दिया। अमूमन होता क्या है कि अगर एग्जामिनर को आपको गणना ज़्यादा करानी है तो इसी अमाउंट को 31,000 ना दे करके 31,790 रुपये दे सकते
सकते हैं, 31,231 रुपये दे सकते हैं, फिर क्या होगा, हमारी गणना बहुत ही जटिल हो जाएगी और वास्तव में होता क्या है कि हमें इसको टच ही नहीं करना होता। तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। आज बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, बहुत ही नॉर्मल सा है, 10-12 मिनट का, लेकिन अगला जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं केवल सवालों पे चर्चा करूँगा और 2 से 3 वीडियो पर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चनों पे चर्चा करूँगा। इसके बाद जो UPSI के ऑनलाइन पेपर थे उनके आए हुए सवालों के फॉर्मेट आपसे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद।